हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेश कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में एमबी ऑफिसियल में। हेलो बच्चों, मेरा नाम है शैलेश कुमार और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में एकेडमी ऑफ पीसीएम, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 04 में स्टडी करेंगे, जिसमें रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी हम लोग कर चुके थे इसे प्रीवियस लेक्चर में। और इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे इफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, मीन्स कोई भी रेजिस्टेंस है तो उस पर कंडक्टर वायर है या जो भी है, तो अगर उसको अगर हिट किया जाता है, अगर टेम्परेचर दिया जाता है तो उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है टेम्परेचर का। चलिए तो हम लोग देखेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ऑन रेजिस्टेंस मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर के लिए हम लोग चलेंगे। कंडक्टर वायर, कंडक्टर वायर, कंडक्टर वायर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो कंडक्टर वायर होता है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मीन्स अच्छा माना जाता है सुचालक, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुचालक। तो हम लोग कल इसके बारे में चर्चा किए थे जो कि R इक्वल टू जो होता है रो L अपॉन A रेजिस्टेंस और रो रेजिस्टिविटी और R इक्वल टू रो के बारे में देखे थे कि जो कि रो बराबर होता है एम एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। इसके यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, अब इसी के बारे में हम लोग देखेंगे इसका इफेक्ट क्या होता है। टाउ टेम्परेचर मीन्स टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, लेकिन इफेक्ट करता है यहाँ पास रिलैक्सेशन टाइम को, और देखेंगे किस प्रकार इफेक्ट करता है। अगर किसी भी कंडक्टर कोई वायर है, कोई कंडक्टर वायर है कोई कंडक्टर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए और लेंथ एल है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके अंदर मूव करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और दोनों का टकराव का बीच जो टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, जिसे टाउ से सूचित किया जाता है, डिनोटेड बाय टाउ रिलैक्सेशन टाइम। अगर कोई कंडक्टर वायर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अगर इसको हीट किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, गिव टेम्परेचर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, अगर मोशन देखा जाए इलेक्ट्रॉन का तो बहुत तेजी हो जाता है। मोशन देखा जाए टकराव का इलेक्ट्रॉन का तो बढ़ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एट ए रूम टेम्परेचर पे हैं इसका टकराव कुछ होगा, इसका टकराव एक दूसरे से कुछ होगा, मीन्स कम वेलोसिटी से टकराएगा, आएगा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तो कुछ आराम से आएगा, इससे टकराएगा जो इसका टाइम इंटरवल होगा टाउ होगा। अगर इसको हीट किया जाता है, किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर हीट किया जाता है तो बहुत हीट करने के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है,
उसका इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी होता है इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने के दौरान ये इसके अंदर बहुत तेज़ी से चलने लगता है, बहुत तेज़ी से चलने लगते हैं, जो तेज़ी से आकर टकराते हैं, बहुत तेज़ी से होने का रिलैक्सेशन टाइम जो इसका होता है, रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, बहुत कम हो जाता है। अगर देखा जाए तो गिव टेम्परेचर देने पर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो इसका होता है रिलैक्सेशन टाइम टाउ जो होता है बहुत कम हो जाता है। अगर टाउ बहुत कम हो जाएगा तो यहाँ पास देखिएगा, अगर टाउ बहुत कम हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाउ, मीन्स ये बहुत कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस जो होगा, टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। इसको क्लियर कर देते हैं, इधर वाला साइड को इसको क्लियर करते हैं। अगर कहा जाए, अगर हम लोग देखते हैं तो टाउ पर डिपेंड, यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड तो करवे करता है, और नंबर ऑफ एन फैक्टर पे भी कुछ डिपेंड्स करते हैं, लेकिन यहाँ पास इनफिग्निसिकेंट होते हैं। रेजिस्टेंस जो है एम, तो यहाँ पास एम जो शो किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस पर तो मास पे तो डिपेंड नहीं करेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पास है तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बढ़ेगा नहीं। अगर टेम्परेचर हम देते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। किसी भी बॉडी का मास टेम्परेचर देने से मास थोड़ी ना बढ़ता है, ये लेंथ है, अब लेंथ भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। अब ये तो एरिया है तो एरिया रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और यहाँ पास देखा जाए तो बच्चा क्या टाउ इफेक्ट होता है टेम्परेचर से, और टेम्परेचर से इफेक्ट इसमें एक एन होता है, मीन्स एन जो है यहाँ पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स वन यूनिट जो वॉल्यूम है, अगर इसका वॉल्यूम काट लिया जाए वन यूनिट, तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसी को यहाँ पास एन से सूचित किया गया है, एन से सूचित किया गया है। तो अगर टेम्परेचर को हम लोग रेजिस्टेंस पर अगर देखते हैं कि रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग टेम्परेचर को इनक्रीज करते हैं तो इफेक्ट इसमें क्या क्या होता है, इसमें इफेक्ट सिर्फ दो चीज़ होता है, रिलैक्सेशन टाइम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। इस पे तो हम लोग देख चर्चा कर लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब एन पे देखते हैं, एन तो भी कुछ कर रहा है। अगर एन को देखते हैं, अगर एन को देखा जाए तो गिब्स टेम्परेचर अगर देते हैं तो देखिए एक कंडक्टर, इसको तो मिटा देते हैं, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर वायर है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर देखा जाए तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10 के पावर 29 पर यूनिट वॉल्यूम पाया जाता है, 10 के पावर 29 पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं, फ्री पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर 10 के पावर 29। अगर इसको टेम्परेचर हम लोग देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो होते हैं, लेकिन इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसका ऑलरेडी हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके कारण ये अनइफेक्टेड हो जाते हैं, अनसिग्निफिकेंट होता है एन इन कंडक्टर।
अनसिग्निफिकेंट हो गया, तो इसको हम लोग नहीं देखते हैं, इसको हम लोग अब नहीं देखते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसी भी कंडक्टर वायर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो रेजिस्टेंस होता है वो भी बढ़ जाता है। अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को। अब हम लोग चलेंगे सेमी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। दिख रहा है इतना सेमी सेमीकंडक्टर, इसके लिए भी हम लोग यही फार्मूला का यूज करते हुए देखेंगे आगे। R इक्वल टू एम एल एनी स्क्वायर चाउ ए। तो अभी हमने इसमें बताएं कि अगर किसी भी वायर है, या कंडक्टर हो या सेमीकंडक्टर या एलॉय हो, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कौन सा चीज इसके अंदर इफेक्टेड होता है। तो पहला तो टाउ जो इफेक्ट हो रहा था, और दूसरा एन। अगर आप यहाँ पास देखते हैं सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इलेक्ट्रॉन तो हर पार्टिकल के अंदर है, बट किसी में फ्री है और किसी में फ्री नहीं है। अगर ये हम लोग यहाँ पास अगर देखें तो सेमीकंडक्टर वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। अगर इस पर टेम्परेचर दिया जाए तो टेम्परेचर इस पर देते हैं, अगर टी इज इंक्रीज टेम्परेचर अगर देते हैं इस पर, तो जो होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री होने लगते हैं और एक दूसरे से टकराना अब इसमें स्टार्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स फिर एक दूसरे से टकराने लगते हैं। मीन्स जो रिलैक्सेशन टाइम है यहाँ पास दो इलेक्ट्रॉन का बीच, पहले तो यहाँ था और यहाँ था, इसके बीच माने बहुत कम वेलोसिटी था, माने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं था। मीन्स बहुत स्लो वेलोसिटी से एक रनिंग कर रहा था। और जब इस पर हम टेम्परेचर दिए तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज किया तो इसके कोलिजन बहुत जल्दी हुआ, मीन्स बहुत तेज़ी से जो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, मतलब बहुत तेज़ी से जाकर टकराया। तो रिलैक्सेशन जो टाइम होगा कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पास कम हो गया। तो अगर देखा जाए रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा। अगर देखा जाए यहाँ पास, अगर इसको लिखते हैं टेम्परेचर इंक्रीज तो यहाँ पास टाउ से अगर चलते हैं तो टाउ डिक्रीज
टाउ डिक्रीज, और टाउ डिक्रीज करेगा तो जो रेजिस्टेंस है, टाउ डिक्रीज किया, देखिए टाउ, टाउ बहुत छोटा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स इंक्रीज कर जाएगा। टाउ डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम यहाँ पास देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लाइन कट गया, लाइन कट गया था इसके कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। हम लोग बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में टाउ के बारे में हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग चर्चा करना था, मीन्स डिस्कस ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना नहीं होते हैं जितना कि होना चाहिए, मीन्स बहुत कम होते हैं। जब इस पर टेम्परेचर दिया जाता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर लेते हैं माने वेलोसिटी से, मीन्स अपना वेलोसिटी का जो है इंक्रीज कर लेते हैं और मूविंग बहुत तेज़ी से करने लगते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पास अगर n देखते हैं, मीन्स n इज डिनोटेड हेयर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स n बढ़ जाता है बहुत। जब टेम्परेचर दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं, मीन्स n बढ़ जाता है, अगर देखा जाए टेम्परेचर इंक्रीज तो n नंबर ऑफ पर यूनिट इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम इंक्रीज कर जाते हैं। अब यहाँ पास देखिएगा n बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, n बहुत ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ n, तो n बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पास रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। अब तो ये तो कहता है कि रेजिस्टेंस कम होगा, n बढ़ गया है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अब तो हो गया यहाँ पास लफड़ा। ये बोलता है कि बहुत ज़्यादा होगा, ये बोलता है कि बहुत कम होगा, तो अब क्या होगा। अगर देखा जाए यहाँ पास तो टाउ इनसिग्निफिकेंट होगा, यहाँ पास टाउ जो है इनसिग्निफिकेंट होगा, मीन्स इसको यहाँ पास नहीं देखा जाता है, इनसिग्निफिकेंट होगा। अगर यहाँ पास देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, और रेजिस्टेंस यहाँ पास घट जाएगा तो जो सेमीकंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरीके से कंडक्ट करने लगेगा। तो ओवरऑल यहाँ पास जो कंक्लूजन आता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग देन रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज कर। अब हम लोग आगे अलाउ के लिए देखेंगे, अलॉय मिश्र धातु, अलॉय जैसे नाइक्रोम हो गया, मैंगनीन हो गया, ये सब अलॉय हैं, तो अलॉय, अगर अलॉय कोई कंडक्टर वायर है
तो इसका भी प्रॉपर्टी उसी प्रकार होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मान लिया कि तार नाइक्रोम है, नाइक्रोम है या मैग्नीन भी होता है, मैग्नीन जो है एलॉय है, मैग्नीन। तो ये अगर देखा जाए तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर को अगर बढ़ाया जाता है तो ये अनइफेक्टेड होता है। आर इज मीन्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अनइफेक्टेड, अनइफेक्टेड। इसका उपयोग हम लोग अगर देखा जाए तो इसका उपयोग मोबाइल में किया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे मीन्स वहाँ पास इसका उपयोग किया जाता है, मीन्स जहाँ पास टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इसके रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं होता है, वैसे जगह पर जींस एसी हो गया, जनरेटर हो गया, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। पहुँच करके इसको उतार लीजिए, इसमें कुछ खास था नहीं एलॉय के लिए। अब हम लोग आगे रेजिस्टेंस का वैल्यू को मापने के लिए, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है उसको मापने के लिए कलर कोडिंग का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होता है, स्मॉल होने के कारण इसका जो वैल्यू है मापने में मीन्स मापने में दिक्कत नहीं होता, मीन्स डिनोट नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण इसका कलर कोडिंग के द्वारा इसका वैल्यू को हम लोग देखते हैं। देखा जाए तो कलर कोडिंग, इसको मिटाते हैं, कलर को कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस मीन्स जो रेजिस्टेंस होता है दे आर वेरी स्मॉल, देयर फॉर डिनोटेड या सीन द वैल्यू इज वेरी डिफिकल्ट, देयर फॉर हेयर इज यूजिंग कलर। कोई रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस है तो उसमें फोर को एक्सियल बॉन्ड होते हैं, 1, 2, 3 और 4। फोर जो है को एक्सियल बॉन्ड है, को एक्सियल बॉन्ड, फोर को एक्सियल बॉन्ड होते हैं जिसका कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। जो बॉन्ड 1 और 2 होता है, 1, 2 बॉन्ड, 1, 2, 3 और 4, 1, 2 बॉन्ड जो होता है मैग्नीट्यूड को बताता है, मैग्नी
मैग्नीट्यूड को शो करता है। जो वन और टू नंबर बॉन्ड है मैग्नीट्यूड को बताता है। अगर देखा जाए थ्री नंबर बॉन्ड, जो थ्री नंबर बॉन्ड है वो यहाँ बस मल्टी प्लेनर को बताता है, मल्टीपर को बताता है। और जो यहाँ पास फोर है, फोर नंबर बॉन्ड है, फोर नंबर बॉन्ड टोलरेंस को बताता है। मीन्स टोलरेंस मीन्स वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स वेरी इन रेजिस्टेंस इन परसेंट, वेरी इन रेजिस्टेंस परसेंट। अब देखेंगे जो कलर होता है वो कैसे होता है, इसको कलर कोडिंग को कैसे मापा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। इसको पॉज करके उतार लीजिए दोनों फिगर को। अब यहाँ पास कुछ लिखना है, जो बोर्ड तो खाली नहीं बचेगा। ये कलर को लिखेंगे, कलर ये नंबर होगा और इसमें भी तो नंबर होंगे। इसमें मल्टीपल होगा, इसमें कलर होगा, मल्टीपल और इसमें जो होगा मल्टीपल, इसमें तो नंबर्स होंगे और इसमें टॉलरेंस को शो करेंगे। इसमें कलर को लिखेंगे, यहाँ पास मल्टीपल को लिखेंगे और यहाँ पास टॉलरेंस को लिखेंगे। टॉलरेंस मीन्स वेरिएबल, लिख देते हैं वेरिएबल ही। वेरिएबल जिस कारण इसका होता है, वेरिएबल का जो वेरिएबल होता है यहाँ पास, इसमें कुछ कलर के कारण वेरिएबल होते हैं, इसलिए यहाँ पास इसको वेरिएबल ना लिख कर इसका एक स्पेशियल कलर आता है, गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर। तो यहाँ पास उस कलर को लिखें वेरिएबल कलर, कलर मीन्स कलर ही समझ लीजिएगा इसको। और इसका जो वेरिएबल नंबर्स होंगे जो यहाँ पास लिखेंगे, वेरिएबल नंबर्स इफेक्टेड। ब्लैक के लिए यहाँ पास 10^0, 10^1, 10^2, 10^3, 10^4 और 10^5, 10^6, 10^7, 10^8 ग्रे के लिए, 10^8 और वाइट के लिए 10^9 होगा। अब वेरिएबल इन सी, वेरिएबल इन कलर के लिए यहाँ पास हम लोग बात करते हैं। जो ऐसे इसमें कलर होते हैं जो फोर्थ नंबर पर, अगर फोर्थ नंबर पर देखा जाए तो, अगर इसको हम चाहें तो थोड़ा सा
पलट भी सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन चलिए कलर अगर देखते हैं तो गोल्ड गोल्ड, लेकिन अगर इसको पलट ही देते हैं इसको पलट ही देते हैं वेरिएबल कलर वेरिएबल कलर और जो इसका वेरी नंबर करेगा इधर यहाँ बस लिख लेंगे। देखिए इसको हम नंबर लिख देते हैं जो नंबर 1 2 3 4 5 6 इसको नंबर को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए यहाँ बस थोड़ा मिला के लिखना पड़ेगा, मिला के ब्लैक के लिए 1 ब्राउन के लिए 2 रेड के लिए 3 0 से स्टार्ट होगा, ब्लैक के लिए 0 और ब्राउन के लिए यहाँ पास 1 होगा और रेड के लिए यहाँ पास 2 होगा और ऑरेंज के लिए यहाँ पास 3 होगा, येलो के लिए 4 होगा और ग्रीन के लिए 5 होगा और ब्लू के लिए 6 और वायलेट के लिए यहाँ पास 7 और ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए यहाँ पास 9 लेंगे। ये जो है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है दोनों, मीन्स ये मैग्नीट्यूड को शो करता है ये मल्टीपल। तो वेरिएबल कलर जो होते हैं गोल्ड सिल्वर और नो कलर, नो कलर तो गोल्ड के लिए जो वेरी करता है 5%, रेजिस्टेंस इज वेरी फॉर द गोल्ड 5%, फॉर द सिल्वर 10% और नो कलर के लिए 20% जो होता है 20% वेरी करता है। अभी सबका यूज कैसे होगा अब उसको हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे, साइड में थोड़ा देख लेते हैं। ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, दो जो होता है कलर कोडिंग शुरू वाला मैग्नीट्यूड को शो करता है और जो थर्ड जो मल्टीप्लेनर को शो करता है और जो फोर्थ जो होता है वेरी इन रेजिस्टेंस को शो करता है। अगर देखें तो ये कोई रेजिस्टेंस है, फोर कलर कोडिंग जो है अगर इसको रेड मान लिया जाए, क्या है ये रेड है ये मान लिया जाए कि ब्लू है BLU ब्लू है और ये मान लिया जाए अगर इसको मान लिया जाए कि ब्लैक, इसको येलो मान लेते हैं येलो अगर इसको गोल्ड, ये गोल्ड कलर है फोर्थ और थर्ड येलो है जो मल्टीप्लेनर होता है और जो 1 2 3 4 अगर इसको यहाँ पास एक और यहाँ पर जो छूट गया कलर कोडिंग है 2 3 और 4 कलर इसको डिनोट किया गया है जो रेजिस्टेंस है। तो 1 नंबर जो रेड है, 2 नंबर ब्लू जो मैग्नीट्यूड को शो करता है,
ये दोनों मैग्नीट्यूड को शो करता है, और ये लो मल्टीप्लेनर थर्ड नंबर जो होता है मल्टीप्लेनर को शो करता है, और जो फोर्थ नंबर गोल्ड है मीन्स फोर्थ नंबर का जो कोएक्सियल बॉन्ड होता है वो वेरिएबल इन रेजिस्टेंस को शो करता है। तो हम लोग यहाँ पास देखेंगे रेड, तो रेड के लिए अगर देखा जाए तो नंबर क्या है, बस टू है, फर्स्ट क्या है टू है, और जो मैग्नीट्यूड को दो नंबर दोनों शो करता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो रेड के लिए यहाँ पास चलेंगे और देखेंगे क्या है, टू है, रेड के लिए टू है, ये बस टू लेंगे। और ब्लू के लिए अगर देखें, इसमें ब्लू के लिए अगर देखें तो सिक्स नंबर पर है, तो यहाँ पास सिक्स हो जाएगा। और थर्ड जो नंबर होता है को एक्सियल बॉन्ड मल्टीप्लेनर को शो करता है, येलो है, येलो थर्ड, येलो, येलो के लिए नंबर देखेंगे यहाँ पास मल्टीप्लेनर, यहाँ पास है मल्टीप्लेनर। अगर देखा जाए तो यहाँ पास 10^4 है, तो 10^4। अब जो फोर्थ नंबर है ये जो शो करता है वेरी इन रेजिस्टेंस मीन्स वेरी इन रेजिस्टेंस प्लस माइनस इन परसेंट, तो गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए अगर देखें तो 5% वेरी करता है रेजिस्टेंस, यहाँ पास 5% लिख देंगे जो इसका रेजिस्टेंस का जो यहाँ पास है वैल्यू है, ये ओम में होगा, जिसका ओम में होगा रेजिस्टेंस का ये वैल्यू है। और एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर, एक और दो, पहुंच करके इसको उतार लीजिएगा, इधर थोड़ा बढ़िया से देखते हैं, अगर कोई ये रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है, तो अगर इसका दे दिया है ब्लैक, ये जो दे दिया है ग्रे, ये मान लीजिए ब्लू, और अगर इसको देख लें तो नो कलर, नो कलर। तब अगर इसको में देखा जाए तो दो जो शुरू वाला को एक्सियल बॉन्ड होते हैं, को एक्सियल फर्स्ट एंड सेकंड जो बॉन्ड होते हैं मल्टी नहीं मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, सोज मैग्नीट्यूड। और जो थर्ड होता है, जो थर्ड होता है मल्टीप्लेनर को शो करता है, मल्टीप्लेनर को शो करता है। और जो फोर्थ नंबर होता है, जो फोर्थ नंबर होता है, जो फोर्थ नंबर वेरी इन रेजिस्टेंस को शो करता है व्हेन प्रोवाइड द टेम्परेचर। तो यहाँ पास देखते हैं ब्लैक, ब्लैक के लिए मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यहाँ, मैग्नीट्यूड 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 है, तो ब्लैक के लिए यहाँ पास क्या होगा, जीरो, जीरो। ग्रे, ग्रे के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पास ग्रे एट नंबर पर है, ग्रे एट नंबर पर है। और यहाँ पास थर्ड अगर देखा जाए तो जो मल्टीप्लेनर ब्लू है, तो ब्लू के लिए अगर देखा जाए तो सिक्स नंबर पर है, सिक्स। और नो कलर मीन्स नो कलर फोर को एक्सियल बॉन्ड जो होता है वेरी 20% प्लस माइनस इन 20%। इसी प्रकार इसका रेजिस्टेंस का पूरा वैल्यू को हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अलग टॉपिक पर बात करेंगे जो कुछ अलग होगा, इंटरेस्टेड होगा। और इतना ही, थैंक्स।